कोलकाता को 3 रन से हराकर दिल्ली ने जीता सुपर ओवर मैच। देखिए मैच की पूरी कमेंट्री। 23 मार्च से आईपीएल के 12वें सीजन का आगाज हो चुका है। आईपीएल के जरिए कई खिलाड़ी एक बार फिर चर्चा में आने वाले हैं। इस सीजन के अब तक 10 मुकाबले हो चुके हैं। इस सीजन का 11वां और 12वां मुकाबला आज यानी 31 मार्च को हैदराबाद बनाम बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा, अर्थात आज 2 मुकाबलों के साथ सुपर रविवार होगा। इस सीजन के 10वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने फिरोज शाह कोटला मैदान पर कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 रनों से हरा दिया है। कोलकाता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 185 रन बनाए। जवाब में मेजबान टीम ने निर्धारित ओवर में 6 विकेट खोकर इतने ही रन बनाए, जिसके कारण मुकाबला सुपर ओवर में गया। सुपर ओवर में दिल्ली ने 10 रन बनाए, जिसके जवाब में कोलकाता केवल 7 रन ही बना पाई। इस सीजन दिल्ली की यह दूसरी जीत है। रसेल 62 और कप्तान दिनेश कार्तिक 50 के अर्धशतकों की मदद से कोलकाता नाइट राइडर्स ने बड़ा स्कोर बनाया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता की शुरुआत खराब रही और उसने 7.1 ओवर के अंदर अपने 4 बल्लेबाजों को खो दिया। इनमें आईपीएल में अपना पहला मैच खेल रहे निखिल नाइक 7, क्रिस लिन 20, रोबिन उथप्पा 11 और पिछले 2 मैचों में अर्धशतक लगाने वाले नीतीश राणा 1 के विकेट शामिल थे। 2 बार की चैंपियन कोलकाता ने अपना 5वां विकेट 61 के स्कोर पर शुभमन गिल 4 के रूप में खोया। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान कार्तिक और रसेल ने 6ठे विकेट के लिए 53 गेंदों में 95 रनों की साझेदारी कर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। आईपीएल के इतिहास में 6ठे विकेट के लिए यह संयुक्त रूप से 3री बड़ी साझेदारी है। कोलकाता ने 15वें ओवर की समाप्ति तक 5 विकेट पर 118 रन बना लिए थे। इसके बाद उसने अंतिम 4 ओवर में 47 रन और बटोरे। पिछले 2 मैचों में नाबाद 49 और 48 रन बनाने वाले रसेल ने इस बार 23 गेंदों पर अपना अर्धशतक बनाया। उन्होंने 28 गेंदों 4 चौके और 6 छक्के लगाए। कार्तिक ने 36 गेंदों पर 5 चौके और 2 छक्के लगाए। पीयूष चावला ने 12 और कुलदीप यादव ने नाबाद 10 रन का योगदान दिया। दिल्ली की ओर से इस सीजन में पहला मैच खेल रहे हर्षल पटेल ने 2 और कज्ञ सौरभ आडा, संदीप लामिछाने, क्रिस मॉरिस और अमित मिश्रा ने 1-1 विकेट लिया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की शुरुआत अच्छी नहीं रही। सलामी बल्लेबाज शिखर धवन 16 को अनुभवी स्पिन गेंदबाज पीयूष चावला ने 27 के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने कप्तान श्रेयस अय्यर ने बेहतरीन बल्लेबाजी की और पृथ्वी शॉ के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 89 रनों की अहम साझेदारी की। हरफना मौला खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने अय्यर को 43 के निजी स्कोर पर आउट करके इस साझेदारी को तोड़ा। मेजबान टीम के कप्तान ने 32 गेंदों की अपनी पारी में 4 चौके और 2 छक्के लगाए। इसके बाद पंत ने शॉ के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। पंत 11 के निजी स्कोर पर आउट हुए, उन्हें कुलदीप यादव ने आउट किया। पंत के जाने के तुरंत बाद शॉ भी 99 के निजी स्कोर पर पवेलियन लौटे। यादव ने आखिरी ओवर में हनुमा विहारी 2 को कैच आउट कराकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया। आखिरी गेंद पर दिल्ली को जीत के लिए 2 रनों की दरकार थी, लेकिन कॉलिन एनग्राम 10 केवल 1 रन ही बना पाए। कोलकाता के लिए यादव ने 2 और अन्य 3 गेंदबाजों ने 1-1 विकेट लिया।